उजला वाला लाओ तो उजला वाला साइज लाओ। पूर्णिमा है, ठीक है, सोमवार है। राजद में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तैयारियों का जायजा लेने खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच गए शिविर का जायजा लेने, वो भी कल रात को। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने आवास से लेकर के भोजन सभी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भोजन का बहुत अच्छे तरीके से जायजा लिया है। जी हाँ, वहां पर बन रहे रसगुल्ले का उन्होंने स्वाद चखा। पहले उन्होंने उजले रंग का रसगुल्ले का स्वाद चखा, उसके बाद पीले रंग के रसगुल्ले का स्वाद चखा। हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखाते हैं। पानी लाओ, पानी लाओ तो जरा पानी गिलास। एक उजला वाला लाओ तो उजला वाला साइज लाओ। पूर्णिमा है, ठीक है, सोमवार है। अच्छी लाओ, उजला वाला लाओ। दोनों साइज देखिए। पश्चिम बंगाल और झारखंड का दौरा कर लौटे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में भी पूरे एक्शन में दिखे। बिहार के राजद कार्यकर्ताओं के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में वे पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। तेजस्वी के आवास एक पोलो रोड में 21 सितंबर से यह प्रशिक्षण शिविर ससम्मान समारोह का आयोजन होना है। पार्टी नेताओं के लिए बनाए जा रहे गए आवास, भोजन समेत तमाम व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। इसी क्रम में उन्होंने रसगुल्ले का साइज देखा तो उसे भी चखा। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्हें कैसा भोजन परोसा जाएगा इसकी जानकारी उन्होंने ली। इसके बाद रसगुल्ले को देखकर उन्होंने उसे भी खाकर देखा। पहले उजले रंग का, फिर नारंगी रंग के रसगुल्ले का आनंद उन्होंने लिया। व्यवस्था से वो संतुष्ट नजर आए हैं। निर्देश दिया है कि आने वाले लोगों के स्वागत में कोई भी कमी ना रहे। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता ही रणनीति कौशल सिखाएंगे। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने, सक्षम लोगों को जिम्मेदारी देने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पार्टी के नेता श्याम रजक ने कहा कि 10 विषयों पर पार्टी के नेता प्रशिक्षण देंगे। बूथ और पंचायत के संदर्भ में भी उन्होंने बताया कि पहले दिन हर प्रखंड जिलाध्यक्ष अपनी बात रखेंगे, क्या समस्याएं आ रही है। हम तो जनता की ओर से नंबर 1 पार्टी है, हमारा संगठन और मजबूत और धारदार हो जाए इस पर मंथन करेंगे। झूठ बोलने वालों को बेनकाब करेंगे। मौके पर राजद नेता भोला यादव, शक्ति सिंह यादव आदि भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पैसे लेकर टिकट बांटने के मामले में घिरे तेजस्वी यादव ने आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो उन्हें सजा दी जाए, वरना जिसने आरोप लगाया है उस पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि वो पहले कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात, फिर झारखंड में सीएम से वार्ता के बाद अब वे प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने भोजन व्यवस्था का पूरी तरह से जायजा लिया। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।